और सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर की घटना की। थाने पर पथराव की घटना पर सियासत उबल रही है। कांग्रेस की ओर से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है जब निर्माण सही था तो कैसे हवेली को जमींदोज किया जा सकता है। हालांकि प्रशासन का यह दावा है कि जो हवेली बनाई गई थी वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई के बाद 20 करोड़ रुपए की हवेली मिट्टी बन चुकी है। साथ ही हवेली में मौजूद लग्जरी कार कबाड़ में तब्दील हो गई। करोड़ों रुपए की हवेली ध्वस्त। आलीशान बंगला अब मिट्टी का ढेर। लग्जरी गाड़ियां मिट्टी में दफन। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ आसमान को छूती आलीशान हवेली जो ये बता रही है कि इसमें रहने वाले लोगों का रसूख, और दूसरी तरफ मिट्टी का ढेर जो ये बता रहा है सब खत्म हो गया। कल तक यहाँ 3 मंजिला आलीशान हवेली थी, आज वहाँ मिट्टी का ढेर है। 20 करोड़ रुपए की कीमत वाली हवेली पर जब बुलडोजर गरजा तो हवेली कांप उठी और सब मिट्टी में दफन हो गया। इस मिट्टी के ढेर में लाखों रुपए की गाड़ियां दफन हो गईं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लग्जरी गाड़ियों की क्या हालत हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कबाड़ हो। अब तो ये कबाड़ ही है, ऐसा कबाड़ जिसकी कीमत कुछ हजार रुपए होगी। यह हवेली 20,000 स्क्वायर फीट में बनी थी। बीते 5 साल से हवेली में निर्माण कार्य चल रहे हैं। निर्माण कार्य के चलते यहाँ कोई रह नहीं सकता था। बसने से पहले ही हवेली मिट्टी में मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं जिसकी ये आलीशान हवेली जमींदोज की गई, जिसने संदेश कार्ड मुस्लिम समुदाय में भेजा था, जिसने कहा था कि इकट्ठा हो ये थाने के बाहर, अब वो मुख्य आरोपी सामने आ चुका है। बिल्कुल, और इस पूरे छतरपुर पथराव कांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुख्य आरोपी ने वीडियो जारी कर सफाई दी है। आरोपी शहजाद हाजी को आप देख रहे हैं। शहजाद हाजी ने घटना को एक साजिश बताया है। आमतौर पर जैसा होता है किसी भी घटना में पकड़ाने के बाद उसमें साजिश नजर आती है, षड्यंत्र नजर आता है, असामाजिक तत्व नजर आते हैं। और सीएम से घटना की जांच की मांग, मुख्य आरोपी ने इस वीडियो को जारी कर दी है, वो सामने आया है। लेकिन वीडियो के जरिए और पुलिस ढूंढ रही है हाजी शहजाद को। तो उसने कहा है कि कोई साजिश की गई है और वो पहले भी पुलिस के साथ सहयोग करता रहा है। किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब टीआई साहब पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई, इनने लाठीचार्ज किया, तो किसी असामाजिक तत्व द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची, और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से डीआईजी साहब पहले यहाँ एसपी भी रहे, तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया, कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूँ प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं। तो जो इसमें और इस घटना के बाद छतरपुर से भोपाल तक सियासी माहौल गर्म है। बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं, और बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पथराव की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी कानून को हाथ में लेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई, सियासत गरमाई। अब मैं समझता हूं कि
ये कहीं न कहीं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे हमला है, अटैक है। एक्शन पर बवाल, विपक्ष उठाए सवाल। एक मकान को दूसरे मकान को टारगेट किया, 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है। संविधान की दुहाई, गलत हुई कार्रवाई। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। साजिश का गुनहगार, एक्शन में सरकार। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। छतरपुर में थाने पर हुए पथराव के बाद मुख्य आरोपी पर हुई बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल मच गया। कांग्रेस ने बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताया, साथ ही से संविधान के खिलाफ भी बताया। किसी कानून में, बाबा साहब अंबेडकर के कानून में कहीं ये नहीं लिखा है कि किसी ने पत्थरबाजी की हो या कानून को हाथ में लिया हो तो उसके मकान ढा दें। उसकी प्रक्रिया है, उनको केस चले, FIR हो, जेल भेजा जाए और फिर कोर्ट में से मामले आते हैं। उधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाए, साथ ही कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। एक मकान को दूसरे मकान को टारगेट किया, 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा, जीतू बटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए, ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए। MP में छतरपुर की घटना को लेकर सियासत हाई है। कांग्रेस के आरोपों पर BJP ने पलटवार किया। BJP का कहना है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतंकी उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। आरिफ मसूद, आप अपने पत्र को एक बार नहीं 6 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। उधर CM डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है, कानून का जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार का काम प्रदेश में शांति बनाए रखना है। सरकार असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। पुलिस ने 40 आरोपियों पर नामजद FIR दर्ज की है, साथ ही 150 से ज्यादा अज्ञात आरोपियों पर भी केस दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो एक तरफ छतरपुर में जो हालात हैं वो तनाव वाले बने हुए हैं। इन सब के बीच जुमे की नमाज के चलते पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आया है। छतरपुर में शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज पढ़ी गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज अदा की गई। सुरक्षा के बीच इलाके में शांति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ने भारी बल यहां पर तैनात किया हुआ था। स्थिति को देखते हुए बाकायदा ड्रोन के जरिए निगरानी की गई। SP अगम जैन ने बताया कि इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है और सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज पढ़ी गई है। छतरपुर शहर में आज जुमे की नमाज अदा की गई है, जिसको लेकर छतरपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। हमारे साथ इसी मामले पर जानकारी देने के लिए मौजूद है छतरपुर SP अगम जैन साहब। न्यूज 18 में आपका स्वागत है। किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था थी, ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है? आज बहुत अच्छी चाक चौबंद सभी जगह व्यवस्थाएँ थी। पूरी फोर्स और मजिस्ट्रेट्स की, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की टीम सभी जगह लगी हुई थी और समाज के सभी लोग भी संपर्क में थे। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से नमाज। और अब खबर एक हादसे की जो आई है इंदौर से। महू में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। रात में तो वो सोए लेकिन सुबह उनकी नींद नहीं खुली। वो एक ऐसी गहरी नींद में सो गए जिसकी कोई सुबह नहीं होगी। जी हाँ, महू में छत का स्लैब गिरने से मजदूर ठेकेदार समेत 5 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद रेस्क्यू कर मलबे से शव बाहर निकाले गए।
एक बार फिर ये हादसा भी अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गया। एक हादसा, 5 जिंदगियां तबाह। मजदूर ठेकेदार सो गए मौत की नींद। छत गिरी, जिंदगी पर पड़ी भारी। निर्माण पर सवाल, जिम्मेदार कौन? इंदौर के महू में एक बड़ा हादसा हो गया। जिस फार्म हाउस की छत डाली थी, उसी छत ने 5 जिंदगियों को छीन लिया। मलबे से एक एक कर 5 लोगों के शव निकाले गए। 5 लोग थे, जिसमें एक ठेकेदार भी बताया जा रहा है, जो पवन पांचाल है, बांसवाड़ा का रहने वाला है, अभी वर्तमान में राव में निवास करता है। और 4 अन्य लोग हैं, जिसमें 2 साजापुर के बताए जा रहे हैं और एक अन्य व्यक्ति है राजा नाम का। तो ये ऐसे करके 5 लोगों को अभी यहां से रेस्क्यू किया गया SDRF और हमारे सभी पुलिस की टीम के द्वारा। मरने वाले लोगों में 2 सगे भाई भी हैं। ये 5 नहीं बल्कि 5 परिवार हैं, जिनके चिराग अब बुझ गए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है। हादसे के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल की। लेकिन ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ना, ये एंगल पर किया गया है और एंगल पर वेल्डिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ से और एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो डिस्टेंस है, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, लगभग ये 5 मीटर से ज़्यादा का है। और जो घरों में हम निर्माण कार्य करते हैं, उसमें 3 मीटर पे ही हम कॉलम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो निर्माण कार्य चल रहा था, यहाँ पर 5 मीटर से ऊपर का जो 2 कॉलम है। अधिकारी कह रहे हैं कि राजस्व विभाग से निर्माण की परमिशन नहीं ली गई थी। तो साहब, आप ही बताएं कैसे निर्माण हो रहा था। इसके संबंध में जानकारी ये ली जा रही है कि चूंकि चोरन नदी नज़दीक है, तो क्या वन विभाग से कोई अनुमति दी है या पंचायत से अनुमति ली गई है? चूंकि राजस्व विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी, और साथ में जैसा बताया जा रहा है कि ये उचित मापदंडों के अनुसार इसका निर्माण नहीं हुआ है। हादसों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि प्रशासन समय पर पहुंच जाता और रेस्क्यू वक्त से शुरू हो जाता, तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जब लोग सुबह यहाँ पे पहुंचे तो मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, लेकिन जब तक यहाँ पे मदद के लिए लोग पहुंच पाते, संसाधन जुटा पाते, तब तक उनकी जान चली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बागसाथ, मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल का एक और बयान सामने आ गया। निगम सम्मेलन के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए सिविक सेंटर के मामले पर महापौर प्रहलाद पटेल भड़क गए। पटेल ने तत्कालीन कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार के लिए कहा, कलेक्टर की मां ने उसे दूध पिलाया होता तो मुझे विधिवत लेटर भेजता। पूरा मामला सिविक सेंटर रजिस्ट्री कांड को लेकर है, जिसमें निगम के अधिकारियों ने सिविक सेंटर स्थित करीब 12 से ज्यादा प्लॉट की रजिस्ट्री नियमों के खिलाफ करवा दी। इसमें तत्कालीन कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने मध्य प्रदेश शासन को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। उस भास्कर को मैं ये चैलेंज करता हूँ, दोषी पाया गया क्या? दोषी पाया, ये मेरे को मिला क्या? क्या विधिवत भेजने की हिम्मत है किसी को? मेरे को कोई विधिवत भेजे मेरे को हिम्मत हो तो कलेक्टर में। उस भास्कर को मैं ये चैलेंज करता हूँ कि उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया उस कलेक्टर को, तो मेरे को विधिवत भेजे। दोषी पाया गया क्या? दोषी पाया, ये मेरे को मिला क्या? क्या विधिवत भेजने की हिम्मत है किसी को? मेरे को कोई विधिवत भेजे मेरे को हिम्मत हो तो कलेक्टर में। उस भास्कर को मैं ये चैलेंज करता हूँ कि उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया उस कलेक्टर को, तो मेरे को विधिवत। और अब बात मुरैना की, जहां बीजेपी पार्षद के बेटे की दबंगई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी पार्षद भावना मंडलेश्वर के बेटे अमित हर्षाना ने अपने ही दोस्त के घर पर पत्थरबाजी कर दी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद पार्षद के बेटे ने घर पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, इसमें 4 से 5 लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आते हैं। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने अमित हर्षाना के साथ ही
3 और लोगों को हिरासत में लिया है। बिल्कुल, एक वीडियो वायरल हुआ है, थाना प्रभारी कोतवाली के भी संज्ञान में वीडियो आया है, मेरी उनसे भी बात हुई है, वो उसमें जांच कर रहे हैं। उसमें चूंकि ये जो लोग हैं पूर्व में भी कई झगड़ों में ऐसे रहे हैं, तो उसको एक बार उन लोगों को बुला करके इसमें अभी इसकी पुष्टि की जा रही है कि वास्तव में क्या हुआ है। और अब बात त्योहारों की, रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी की धूम है। एमपी में सरकार की ओर से इस बार जन्माष्टमी पर आयोजन किए जाएंगे, इसे लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस ने आयोजन को लेकर सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की ये तो पुरानी आदत है। प्रदेश में त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा, अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो वो ईद मना ले। सीएम का ऐलान, जन्माष्टमी पर आयोजन। भगवान कृष्ण मथुरा से चल के उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए, मध्य प्रदेश शिक्षा ग्रहण करने आए, तो शिक्षा की महत्ता उनने 5,000 सेले भी पहले भी बताई, इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा। फूटेगी मटकी, कांग्रेस सियासत में अटकी। लेकिन आप शिक्षण केंद्र में अनिवार्य करते हो, फिर एक तरफ आप मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हो, तो किस तरह ले जाना चाह रहे हो। तो ये आयोजन पर सवाल मचा सियासी बवाल। भारत का पर्व है जन्माष्टमी, से आपत्ति कांग्रेस को क्यों होने लगी, और जन्माष्टमी के बदले में ईद मनाना, तो ईद मनाने के लिए कांग्रेस है ना, ईद मनाए, कौन ने मना की है। त्योहार की रीति फिर क्यों राजनीति। राम का, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी के धूमधाम से मनाते, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दे मथुरा। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी को लेकर धूम है। प्रदेश में सरकार की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ये पहली बार है जब सरकार जन्माष्टमी मना रही है। सरकार के आयोजन को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस पर सवाल उठाए हैं। माननीय, जन्माष्टमी के कई आयोजन में हम भी जाते हैं, लेकिन आप शिक्षण केंद्र में अनिवार्य करते हो, फिर एक तरफ आप मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हो, तो किस तरह ले जाना चाह रहे हो। तो ये देश संविधान से चलेगा, और इसलिए संविधान बहुत अच्छा है जिसको सबने एक्सेप्ट करा, संविधान से चला, गोडसे की विचारधारा से नहीं। कांग्रेस ने जन्माष्टमी के त्योहार को मदरसों से जोड़ दिया है। आरिफ मसूद के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, देश भगवान राम और श्री कृष्ण का है। जिनको भी जन्माष्टमी मनाने से आपत्ति है, आरिफ मसूद या कांग्रेस के अन्य नेताओं को, तो उनको कान खोल कर सुन लें, ये भारत का पर्व है। जन्माष्टमी से आपत्ति कांग्रेस को क्यों होने लगी, और जन्माष्टमी के बदले में ईद मनाना, तो ईद मनाने के लिए कांग्रेस है ना, ईद मनाए, कौन ने मना की है। पर हम जन्माष्टमी मनाएंगे, मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी करेंगे, मंदिर मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण, उनकी लीलाओं पर हिंदुस्तान चल रहा है। फिलहाल जन्माष्टमी को लेकर एमपी में सियासत हाई है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो जन्माष्टमी को लेकर किस तरह सियासत में उबाल है वो तो आपने देख लिया। अब जरा बात कर लेते हैं भोपाल में होने वाली आपराधिक वारदातों की। तो कानून व्यवस्था के लिहाज से भोपाल में जो आए दिन लूट चोरी की डकैती की घटनाएं हैं, उसके लिए पुलिस बाहरी व्यक्तियों की मॉनिटरिंग करेगी। तो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की है, आदेश इसके लिए जारी किया गया है। यह एक्शन प्लान तैयार किया गया है। राजधानी में किराएदार, नौकर, मजदूर, ट्रेवल्स, ये जो बाहर वाहन किराए पर लेने वाले हैं, हर किसी की जानकारी को एक जगह रखा जाएगा। यानी कि जो भी बाहरी होगा उस पर पैनी नजर रखी जाएगी, और ये जानकारी पुलिस को देने की जिम्मेदारी किसकी होगी, जो जिसका किराएदार होगा, यानी कि अगर आप मकान मालिक हैं तो जिम्मेदारी आपकी होगी। वो मकान मालिक हो सकता है, होटल लॉज का संचालक हो सकता है, ट्रेवल संचालक भी हो सकता है। और अगर आप जानकारी देने में कोताही करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो फिर आपको इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब आपके ऊपर भी मामला दर्ज किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जानकारी साझा जरूर कीजिए। पुलिस ने पूर्व से जो एक आदेश था उसी आदेश को फिर से जारी करते हुए किराएदारों की जानकारी देने के लिए ये जो है वो एक आदेश निकाला है।
जिसके तहत कोई भी प्रतिष्ठान में यदि कोई अस्थायी रूप से काम करने के लिए आता है तो उसकी जानकारी भी संबंधित पुलिस थाने में दी जाएगी। यदि कोई किराए से कहीं रहता है तो मकान मालिक उसकी जानकारी देगा। इवन यदि कोई गाड़ी रेंट पे लेता है तो उसमें भी जो है वो अपना आईडी और अपने वेयर अबाउट्स जो है बताएगा। आप और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।